हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 8 जेक बोर्ड का जो 16 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आपके साइंस, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी और हिंदी का, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2023 के स्पेशल एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो उनका हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर रिवाइज करके जाएं और 50 क्वेश्चन से देख के जाएं। आपकी सारी वीडियो या आपकी साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सारा अपलोड किया हुआ है, आप जाके सर्च कर सकती हो परिमन क्लासेज में। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे रीड दी पैसेज जो पढ़ते हैं, क्या बोलता है, साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेस्टरल फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। कि साक्षी मलिक जो है एक इंडियन फ्री स्टाइल रेस्टरल है, ठीक है, कहाँ से है वो, हरियाणा की रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। हर फादर इज ए बस कंडक्टर एंड मदर ए सुपरवाइजर एट ए लोकल आंगनवाड़ी। उनके फादर जो है उसकी उनके फादर वो बस कंडक्टर, उनकी मम्मी आपके लोकल आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर थी। सी बिगेन ट्रेनिंग इन रेस्टलिंग एट द एज ऑफ 12 अंडर ए कोच ईश्वर धैया एट एन अखाड़ा इन छोटू राम स्टेडियम रोहतक। बोलता है कि वो अपना ट्रेनिंग रेस्टलिंग में अपना ट्रेनिंग 12 साल में लेने स्टार्ट कर दी अंडर ए कोच जिसका नाम था ईश्वर धैया और एट एन अखाड़ा इन छोटू राम स्टेडियम रोहतक। रोहतक के एक छोटू राम स्टेडियम के अखाड़ा में वो क्या करने लगी, ट्रेनिंग लेने लगी। कौन कोच था उनका, नाम था ईश्वर धैया। तो यहाँ बोलता हु इज साक्षी मलिक कौन थी रेस्टरलर। क्या जगह ऑप्शन टू हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बोला जाता है क्या, व्हाट वाज हर फादर्स ऑक्यूपेशन, उनका फादर क्या थे, बस कंडक्टर। ऑप्शन थ्री हो जाएंगे। अब क्या बोलती थर्ड, साक्षी मलिक किस स्टेट से बिलोंग करती थी, आपके हरियाणा। क्या जाएंगे, ऑप्शन फोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है एट व्हाट एज डिड सी बिगिन हर ट्रेनिंग, कितने साल में वह ट्रेनिंग लेने स्टार्ट करती थी, 12 साल में। क्या जगह, ऑप्शन थ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव बोलता हु वाज हर कोच, उनके कोच कौन थे, तो ईश्वर धैया थे। कौन थे, ईश्वर धैया। क्या जाएंगे, ऑप्शन वन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस बोलते हैं, नेक्स्ट पैसेज है आपका, उसको पढ़ के हमें आंसर देना है। नेक्स्ट का क्वेश्चन पढ़ के क्या आंसर देना, क्या बोलता है कि द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड एट अमृतसर इन द स्टेट ऑफ पंजाब। गोल्डन टेम्पल जो आपके स्वर्ण मंदिर आपके पंजाब स्टेट में अमृतसर में क्या प्रेजेंट है। इट इज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द सिक्स, अरे जो आपके सेंटर है किसका है, सिक्स के पिलग्रिमेज से, ठीक है। अब बोलता है क्या, द फाउंडेशन ऑफ दिस टेम्पल वाज लेड बाय ए मुस्लिम सेंट मिलन मीर इन 1604। अब बोलता है कि ये फाउंडेशन जो इस टेंपल का जो फाउंडेशन हुआ है एक मुस्लिम सेंट के द्वारा हुआ है, कब, मियन मीर के द्वारा, कब, इन 1604 ईस्वी द ग्रेट सिख गुरु अर्जुन देव हैड गोट इट्स बिल्ड। बोलता है कि 1604 ईस्वी में क्या द ग्रेट सिख जो गुरु थे अर्जुन देव हैड गोट इट बिल्ड, ये बनाए थे कौन, सिख गुरु अर्जुन देव। देन इट वॉज नोन एज हरमेंदर, अब उसका नाम क्या पड़ गया, हरमेंदर पड़ गया, विच मीन्स ए टेम्पल फॉर ऑल, जिसके लिए सभी के लिए ये टेम्पल हो गया। लेटर ऑन महाराजा रंजीत सिंह रिनोवेटेड इट, फिर लेटर बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने इसे रिनोवेट किया, फिर से उसे बनाया। अब होता है ही एल्सो गोट इट कवर्ड विद गोल्ड फॉइल, और जो आपके स्वर्ण मंदिर है वो गोल्ड फॉइल से क्या किया गया, फिर कवर किया गया इसी, ठीक है। फ्रॉम देन ऑनवर्ड द टेम्पल केम टू बी नोन एज गोल्डन टेम्पल, उसके बाद वो गोल्डन टेम्पल क्या, वो टेम्पल को किस नाम से जाने लगा, गोल्डन टेम्पल, जब गोल्ड फॉइल उसमें कवर हो गया। बोलता है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है, तो पंजाब में। क्या जाएंगे, ऑप्शन टू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन बोलता है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल,
गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन कौन किया था? मियाँ मीर। कौन किए थे? मियाँ मीर। क्या जाएंगे ऑप्शन 7 का 3, मियाँ मीर किए थे। अब लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, व्हाट डिड महाराजा रंजीत सिंह डू दिस टेम्पल। वो महाराजा रंजीत सिंह थे, वो टेम्पल को क्या किए? रेनोवेटेड इट किए, क्या किए? फिर से उसे बनवाए। क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट बोलता है महाराजा रंजीत सिंह एल्सो गोट इट कवर्ड विथ डेस फॉइल। कौन फॉइल से लगाए थे? गोल्ड फॉइल से। कौन फॉइल से? गोल्ड फॉइल से। क्या हो जाएंगे ऑप्शन जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। 9 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, कि व्हाट वाज द गोल्डन टेम्पल नोन एज अर्लियर। पहले उसे क्या जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो पिलग्रिमेज टेम्पल के नाम से जाना जाता था। क्या जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएंगे। देखो लिखा होगा पिलग्रिमेज। क्या जाएगा? ऑप्शन 10 का हरमेंदर, सॉरी, क्या जाके नाम से जाना जाता था? इट वाज नोन एज ये बिल्ड को क्या, हरमेंदर के नाम से जाना जाता, सॉरी, हरमेंदर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? हरमेंदर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 3 हो जाएंगे। 10 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जाता है क्या, देखिएगा कि ये लेटर को चूज दी करेक्ट ऑप्शन गिवन द क्वेश्चन नंबर 61 से 65, कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। तो अब ये क्वेश्चन आपके जो दिए हुए हैं आपके 11 से 15, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 होगा, 11 से 15 तक आपको चूज करना है। सही, तो बोलता है रांची, यहाँ से लिखा जा रहा है 29/3/2023, डियर अर्जुन होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन, क्या हो जाएगा? फाइंड्स इन गुड हेल्थ। क्या ला सकता है? गुड हेल्थ ला सकता है। क्या जाएगा आपके ऑप्शन 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। 11 का ऑप्शन 3, आई एम एक्सट्रीमली टू लर्न डैट यू हैप्पी सिक्योर्ड फर्स्ट होने, कि आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे। 11 का क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। हैप्पी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन इन योर क्लास, प्लीज एक्सेप्ट माई हर्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर क्या हो जाएगा? 13 नंबर ना, यहाँ पे 13 नंबर क्या होगा? ए भरना है। 13 का क्या होगा ए भरना है। तो क्या हो जाएगा? इज योर इज, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज, ठीक है, इज क्या? एक्सेप्ट माई हर्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन इज, आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी लर्न टू यू यू इज यू, क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? 13 का ऑप्शन 13, यू हैव सिक्योर्ड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू लर्न डैट यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन इन योर क्लास, प्लीज एक्सेप्ट माई हर्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन योन योर सक्सेस। क्या जाएगा यहाँ पे? योन योर सक्सेस हो जाएंगे। आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल मेक अस, क्या विल मेड अस, क्या आप सब जो है कि आप हार्ड वर्क करोगे और हम सबको क्या फील प्राउड करवाओगे। क्या हो जाएगा? मेड, यू मेड अस फील प्राउड। क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएंगे। तो 11 में जो जगह खाली, पहला खाली जगह पे गुड होगा, फिर 12 का क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे, हैप्पी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? टू लर्न व्हाट यू हैव, क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। फिर 14 का क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा यू सक्सेस, योर सक्सेस, आई एम क्या, कीप वर्किंग हार्ड एंड विल मेक, क्या हो जाएगा ऑप्शन 15 का जो ऑप्शन हो जाएंगे, 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सॉरी, 15 का ऑप्शन 1, मेक, यू विल मेक अस फील प्राउड, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोलता है? दे हैड रिटेन ए लेटर, क्या हो जाएगा ये? पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या जाएगा? ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लस हैड है, प्लस V3 है, प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये फॉर्मेट किसका होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएंगे। 17 बोलता है चूज द नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नेगेटिव चूज करना है, तो ही डिड नॉट लर्न, नॉट, नो लगा रहे तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो ही डिड नॉट लर्न मैजिक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएंगे। 17 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके 18 क्या बोलता है? डेस गॉड ब्लेस यू,
द करेक्ट मॉडल वर्ब क्या आ जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू, बोलते हो ना मे गॉड ब्लेस यू, क्या जाएगा भगवान आपको सतबुद्धि दे, तो क्या जाएगा ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका, ऑप्शन 18 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आपको क्या बोलता है, डेस गंगा इज ए होली रिवर, क्या हो जाएगा द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा क्या एक ही नाम है, ये आपकी ठीक है पार्टिकुलर नाउन है, इसीलिए आपका यहाँ पे क्या लगेगा द लगेगा। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 19 का ऑप्शन 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ही सेड आई एम हैप्पी द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव सेंटेंस, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो ही सेड दैट क्या ही वॉज हैप्पी, क्या जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 20 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, वह कहा कि मैं खुश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, द पास्ट टेंस ऑफ सी, सी का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस साव हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे, सी का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा साव हो जाएगा, 21 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का 2 हो जाएगा, 22 का देखते हैं, चूज दी एडजेक्टिव फ्रॉम दी फ्लोइंग, तो एडजेक्टिव क्या है आपका भी आपका भर्ब है, राइट आपका भर्ब है, रन आपका भर्ब है, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव चूज करना है ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएंगे, गुड आपका क्या है एडजेक्टिव है। प्लुरल ऑफ बॉक्स, बॉक्स का प्लुरल क्या होगा बॉक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बॉक्सेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे, बॉक्सेज हो जाएंगे इसका प्लुरल, बॉक्स ऑफ प्लुरल बॉक्सेज हो जाएंगे। 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन 23 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है क्या, द बॉय डेज केम फर्स्ट इन माई ब्रदर, जो बॉय वो दिख रहा है द बॉय हु केम फर्स्ट इन माई ब्रदर, जो पहला स्थान लाया वो मेरा क्या है ब्रदर, 24 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे 2, हु द बॉय हु केम फर्स्ट, जो पहला स्थान आया वो मेरा कौन है भाई है। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है चूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम दी फ्लोइंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ से चूज करना है, क्या जाएगा व्हाट इज ब्यूटीफुल सीनियरी, यही आपका क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब कि इस तरह का आपका छीन रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, क्या जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है क्या, केशव सिस्टर नेम वाज, केशव की बहन का नाम क्या था, तो केशव की बहन का नाम क्या था श्यामा था, क्या था श्यामा, क्या जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट बोलता है 27, वेयर डिड कालिज फादर सेल हिज कोबरा, जो कालिज के फादर थे काली के पापा उनकी कोबरा कहाँ बेचते थे, तो ये कोबरा कहाँ बेचते थे, तो ये स्नेक कोऑपरेटिव में, क्या जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे। द नेम सियाचिन रिफर्स टू द लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ, वहाँ पे क्या एबंडेंस है, क्या है सियाचिन में क्या रिफर्स है, किस लैंड को रिफर्स किया गया है, तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे रोजेस को, क्या रोजेस, द नेम सियाचिन रिफर्स टू लैंड विथ एन एबंडेंट ऑफ क्या रोजेस, वहाँ पे रोजेस खाली हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, हु एंसर्ड किंग जॉन्स क्वेश्चंस, को जो किंग जॉन क्वेश्चंस का एंसर कौन दिए थे, तो कौन दिए थे सेफर्ड ने, कौन दिए थे सेफर्ड, द फुल फॉर्म ऑफ ITF, फुल फॉर्म ऑफ ITF क्या होता है, तो फुल फॉर्म ऑफ ITF क्या हो जाएंगे, फुल फॉर्म ऑफ ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 30 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 31 क्या बोलता है, वाट हैज काउज्ड ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स इन द स्टोरी, ए न्यू रिलीजन, ए न्यू रिलीजन में स्टोरी में जो कहानी में ड्रेन का ब्लॉकेज काउज्ड कैसे हुआ, क्या हुआ ब्लॉकेज, तो आपके क्या हो जाएगा डेब्रिस ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफोम कप्स, क्या हो गया वो आपकी इकट्ठा वहाँ पे नाला में आ गया था इसलिए वो क्या हो गया ब्लॉकेज, क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट बोलता है मलाला यूसफजई शेयर्ड हर अवार्ड विथ, जो मलाला यूसफजई जो थे वो कौन अवार्ड को अपना अवार्ड को उसका अवार्ड को शेयर करती किसके साथ, 32 जो है तो ये क्या कैलाश सत्यरथी के साथ, क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट आपके 33 बोलता है क्या, वाई वाज हरी बोथ हैप्पी एंड फ्रेटेड, जो बुहरी थे वो दोनों खुश भी थे और टेंशन भी थे फ्रेटेड भी थे, क्यों ऐसा क्यों हुआ था, तो 33 क्यों हुआ था क्योंकि हैप्पी फॉर अर्निंग एंड फ्रेटेड फॉर
फॉर नॉट गोइंग होम। हैप्पी इसलिए था कि वो पैसा कमा रहे थे और फैटिंग वो उदास इसलिए थे क्योंकि उसे घर नहीं जा रही थी। क्या जगह ऑप्शन वन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है वेयर वर द चिल्ड्रेन इन द क्लास शॉटिंग फॉर हेल्प। तो ये अपना मदद के लिए क्लास में किस तरह से क्यों चिल्ला रहे थे, बिकॉज दे सॉ ए रैट स्नेक। क्या है वो चूहा वाला सांप देख लिए थे। क्या हो जाएगा ऑप्शन वन, 34 का ऑप्शन वन हो जाएंगे। नेक्स्ट 35 बोलता है व्हाट डिड ग्रैंड मा रिमाइंड स्नेहा। स्नेहा को ग्रैंड मा ने उसकी क्या रिमाइंड, उस क्या याद दिलाती है। तो क्या याद दिलाती है, इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट। आज फ्राइडे है और इसलिए उसे क्या करना है, फास्ट उसे उपवास करना है। क्या जगह ऑप्शन टू हो जाएंगे। 36 व्हाट वाज द नेम ऑफ द वॉच शॉप। वॉच शॉप का नाम क्या था, वॉच शॉप का नाम क्या था, डिंग डोंग वॉच वर्क। क्या था, डिंग डोंग वॉच वर्क था। क्या जगह ऑप्शन वन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है अकॉर्डिंग टू रुपेश टेक्नोलॉजी सेव्स। जो अकॉर्डिंग टू रुपेश के अनुसार टेक्नोलॉजी क्या बचत करता है, क्या बचत करता है, टाइम एंड मनी दोनों। ऑप्शन थ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, द लाइन ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्मड इन द ईयर। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कब बने थे, तो 38 कब बने थे आपके, 1972। क्या जगह ऑप्शन टू हो जाएंगे। 39 ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड। जो फ्लावर बेचते हैं उस पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्लोरिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लोरिस्ट। क्या जगह ऑप्शन थ्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 इको ECO स्टैंड फॉर। इको का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन। क्या जगह ऑप्शन वन हो जाएंगे, 40 का ऑप्शन वन हो जाएगा। 41 क्या बोलता है, हु हैज रिटन द पोएम माई मदर। माई मदर पोएम कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या जाएगा 41 का 4। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, पोएट्स हर्ट वाज फिल्ड विथ डेस एट द साइट ऑफ डेफोडिल्स। डेफोडिल्स के साइट पर उसका आंख में क्या, हर्ट पे क्या फील्ड हो गया था, पोएट के हर्ट पे क्या फील्ड हो गए थे, तो हैप्पीनेस। क्या भर गया था, हैप्पीनेस आ गया था। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है क्या, हु वांडर्ड लाइक के लोनली क्लाउड। कि मतलब कि अकेला बादल के जैसा कौन वांडर्ड वहाँ पे कर रहे थे, कौन थे। तो 43 का जो हो जाएगा क्या, कौन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे। क्या जगह ऑप्शन वन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 बोलता है हु हैड प्रीच्ड धामा इन भारत आउटलैंड आवर लैंड। भारत आवर लैंड में जो प्रीच्ड धामा पे कौन थे, तो आपकी क्या जगह, ये बुद्धा थे। कौन थे, बुद्धा। ऑप्शन फोर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका बोलता है क्या, द पोएट वांटेड टू स्टॉप बाय द वुड्स। वुड्स के द्वारा पोएट जो है वो स्टॉप करना चाह रहे थे, तो क्या था यहाँ पे, क्या जगह, ये टू इंजॉय सीन, आपका वो सीन को इंजॉय, दृश्य को इंजॉय करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 46 क्या बोलता है कि हाउ लॉन्ग डज द चिल्ड्रेन स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। जो चिल्ड्रेन थे, चाइल्ड थे, वो स्टोरी बुक्स के लैंड में स्टे कैसे करना चाह रहे थे, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा समय तक टिक रहना चाह रहे थे। तो क्या हो जाएगा इसका, टिल इट टाइम टू गो टू बेड, बेड के जाने से पहले तक वहाँ रहना चाह रहे थे। क्या जाएगा, ऑप्शन टू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बेबी ईट। बेबी जो थे वो क्या खाई, बेबी जो थे वो क्या खाए, तो माइक्रोचिप। क्या खाए, माइक्रो। ऑप्शन टू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 रस्किन बॉन्ड हैज रिटेन द पोएम। रस्किन बॉन्ड कौन पोएम लिखे हैं, तो वेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। वेन सचिन, जब सचिन बाहर निकलते हैं बैटिंग करने के लिए, वो पोएम लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 व्हाई डिड द हॉर्स शेक द बेल। हॉर्स जो है बेल को क्यों शेक कर रहे, हिला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू आस्क इफ देर इज एनी मिस्टेक। क्या कोई वहाँ पे कोई मिस्टेक है, ऑप्शन वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपका बोलता है क्या, 50 बोलता है क्या कि आपकी क्या बोलते हैं, 50 देखिएगा, 50 आपका बोलता है क्या कि व्हाट डू द पोएट्स पेरेंट डू इन द इवनिंग। इवनिंग में पोएट्स की जो कवि की मम्मी है, वो पेरेंट जो है वो उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, क्या करते हैं, टॉक एंड सिंग, वो बातें करते हैं और गाती हैं। क्या देखो, ऑप्शन थ्री हो जाएंगे। तो ये इस तरह हम लोग देखिए क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस क्लास 10 की इंग्लिश का हम लोग सॉल्व किए, वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं 16 मार्च को। आप प्लीज़ रिवाइज करके जाएं। धन्यवाद।